कौन बनेगा करोड़पति एक बेहद हिट शो है ते बहुत सारे लोग इस शो दे विच जाना भी चाहुंदे ने ते हुण खन्ना दी डॉक्टर प्रदीप कौर बैनीपाल इस शो दे विच पहुंचे ने अते उन्होंने 25 लाख रुपया जितया भी है। दस दिए कि खन्ना वापस पहुंचण ते उन्हां दा भरमा स्वागत किया गया अते ढोल दी थाप ते भंगड़े भी पाए गए। परिवार की खुशी का कोई ठिकाणा नहीं है। डॉक्टर प्रदीप कौर बैनीपाल केवीसी च जाण दी काफी लंबे समय तो तैयारी कर रहे सी अते ओ चाहुंदे सी कि ओ किवें ना किवें केवीसी दे विच पहुंचण अते आखिरकार उन्हां दा सुपना सच होया। परिवार की खुशी का हुण कोई ठिकाणा नहीं है अते प्रदीप कौर दा परिवार ने भी पूरा साथ दिता है। दस दिए कि केवीसी दे विच कई सालों तो जाण दी कोशिश कर रहे सी डॉक्टर प्रदीप कौर ते आखिरकार उन्हां दा सुपना सच हो गया। खन्ना दे डॉक्टर प्रदीप कौर बैनीपाल केवीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति दी हॉट सीट ते पहुंचे ने अते सुपरस्टार अमिताभ बच्चन दे सवालों दे जवाब दिते। इस मुकाबले दे विच उन्हां 25 लाख रुपया भी जितया अते 50 लाख दे सवाल ते उन्हां क्विट कर दिता। वापस पहुंचन ते डॉक्टर प्रदीप कौर दा भरमा स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने भी इस शो लई सवालों के जवाब देने लई काफी तैयारी की सी। सर मैं कई सालों तो ट्राई कर रही सी ते इस साल फाइनली 2024 च जाके मैं हॉट सीट तक पहुंची हां जी। कितना रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सीगा। मतलब एडे वड्डे सुपरस्टार नु मिलना ही पहला तो एक बहुत वड्डी गल सीगी ते उन्हां दे नाल बैठ के कुछ वक्त बिताना ते कॉफी पीनी ते होर भी बहुत सारियां गल्लां करनियां एक सपने वर्गा सीगा। आई थिंक मैं खन्ना दी पहली कंटेस्टेंट है जिहड़ी कि हॉट सीट तक पहुंचे हैं जी। क्वेश्चंस वगैरह जिहड़े उन्होंने कीते ते किस तरह दा अप्रोच रहा? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस सी ते क्वेश्चन ता डेफिनेटली हर सब्जेक्ट दे पूछे जांदे ने, सारे सब्जेक्ट्स हुंदे ने ता तुहानू काफी ओहदे लई मेहनत करनी पैंदी है जी, तैयारी करनी पैंदी है। पूरी तुसीं तैयारी कीता की? सर अजकल ता देखो सोशल मीडिया दा जमाना है, यूट्यूब ते तुसीं कुछ भी जे तुसीं चाहो ता जिन्नी मर्जी नॉलेज गेन कर सकते हो। तो मैं काफ़ी UPSC दे जिन्ने भी सिलेबस होंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस उतों ही मैं तैयारी की है जी। सवाल डेफिनेटली सर तो नॉर्मल है, एक एड्डा वड्डा सुपरस्टार तुहाडे सामने बैठा है तो हार्टबीट तो थोड़ी बहुत वधनी एक नॉर्मल जी गल है, बट वो तुहानू बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। वो एवें तो बिल्कुल फीलिंग नहीं दिलाते कि तुसी एक छोटे शहर तो आए हो या तुसी कुछ नहीं हो तो वो एड्डे वड्डे सैलीब्रिटी ने, बट फिर भी तुहानू बहुत होमली फीलिंग दिलवाते हैं। किस लेवल तक? सर मैं 25 लाख की अमाउंट जीती है जी, 50 लाख के क्वेश्चन से मैं क्विट किया। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪੈਸੇ। सर यही है जी, तुहाडा सुपना है जो तुसी चाहते हो कि तुसी वो मंच ते जाओ ते कुछ अपने शहर दा ते अपने हलके दा नाम रोशन करो तो डेफिनेटली तुहानू थोड़ा पढ़ना पवेगा, थोड़ी मेहनत करनी पवेगी क्योंकि कॉम्पीटिशन बहुत ज़्यादा है ते उहदे चो जे तुसी सक्सैसफुल होना है ते कुछ चुनिंदे लोगों विचों पहुँचना है तो मेहनत तो थोड़ी करनी पैनी है। तो अपन सोशल मीडिया तो थोड़ा रील्स तो निकल के कुछ थोड़ा पढ़ाई वाल ध्यान देना पैना है जी। बाय प्रोफेशन तुसी? मैं बाय प्रोफेशन जी एक मेडिकल ऑफिसर है, डॉक्टर है जी ते गवर्नमेंट जॉब कर रही है। एज ए डॉक्टर ते डॉक्टर तुसी एंटी शेड्यूल तो बात सर देखो जो तुम कोई सुपना देखते हो तो तुम कोई किसी चीज़ लिए तुम पैशनेट हो तो फिर टाइम अपने आप निकल जाता है जी। मैं सवेरे उठ के कुछ बच्चे दे स्कूल जाने तो पहला पढ़ती सी, कुछ शाम को पढ़ती सी, कुछ मैं जिम्मे जिम वगैरह जाती सी उस टाइम मैं गाने सुनने की बजाय कुछ लैक्चर ला लेने हेडफोन ला के तो टाइम तो निकल जाता है जी। जो तुम कुछ करो फैमिली जी सारी बहुत सपोर्टिव रही है जी, फादर इन लॉ ने, मेरे हस्बैंड ने जी, सारे ही बहुत सपोर्टिव ने जी, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिता है जी हमेशा। हाँ जी हस्बैंड भी मेडिकल ऑफिसर ने जी, डॉक्टर ने, वैसे इन्हों का एक इतने खन्ना च डाउनटाउन होटल भी है जी अपना डाउनटाउन फार्म्स करके मलेरकोटला रोड पर, तो वैसे वैसे मेडिकल ऑफिसर भी रह चुके हैं जी, गवर्नमेंट जॉब करते थे। नवी जनरेशन यही है जी, बस पैशन जे तुहाडा कुछ हैगा तो उन्हें फॉलो करो तो थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई भी तुहाडा ड्रीम हो सकता है, छोटा हो सकता है, वड्डा हो सकता है। जिवें मैनू देखो 12 साल लग गए इत्थे पहुँचने लिए, मैं बहुत सारे ऑडिशन दिते, बहुत बार मैं फेल भी हुई,
बट मैं उतो हिम्मत नहीं हारी। मैनू लगता सी कोई गल नहीं, इस साल नहीं होया आप अगले साल होर मेहनत करके जावांगे, कदे तो होगा, मतलब इस साल नहीं तो कदे तो होगा ना, ये तो नहीं हो सकता भी कदे भी नहीं होगा। बस तुसी डटे रहो, लगे रहो, कदे तो कदे ना तो जेड़ा भी तुहाडा सुपना है वो जरूर पूरा हो। डेफिनेटली जी, घरे बैठ के जो आप अपने घरे बैठे होंगे तो हर चीज़ ईजी लगती है। ए लगता भी आ भी क्वेश्चन आंदा, आ भी क्वेश्चन आंदा, जिवें मैनू भी बहुत क्वेश्चन हूँ आके लग रहे भी तो बहुत ईजी सी जिते मैं लाइफ लाइन ले ली, पर उत्थे एक बैठिया का वो एक चेयर का एक प्रैशर ही अड है, तो वह प्रैशर च जो तुम खेडते हो वह फीलिंग अड है। मेरा डॉक्टर मनरीत सिंह बैनीपाल है जी नाम। बस जी, इन्होंने बहुत नाम रोशन किया साढ़े परिवार का, तो नाल खन्ना शहर का, तो पंजाब का भी, तो मैं तो बहुत ही प्राउड फील करता इन्हों, तो बहुत इन्हों की ग्रिट डिटरमीनेशन सी जी इन्हों उ तक लैके गई, बहुत साल तो ट्राई कर रहे। इस तरीके हाँ जी, हाँ जी, सवेरे उठ के इन्होंने 4 बजे का अलार्म ला के रखना, तो सवेरे 4 to 6-7 बजे तक जोड़ा भी टाइम मिलता से 2-3 घंटे उदों पढ़ना, तो शाम को भी जो भी इन्हों कि भी नॉलेज मिलती सी तो उन्होंने गैदर करने की कोशिश करनी, तो वो इनवॉल्व रहना, मतलब कंटिन्यूअस एफर्ट सी। असी बस इन्हों भी प्रोत्साहित ही करते जी भी हाँ तुम लगे रहो, तो एक ना एक दिन आजगा थोड़ा भी नंबर आ जाऊ, सही कर सकते। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट प्रिविलेज है, साडा तो बहुत वड्डा प्रिविलेज है, वो इन्हां करके पॉसीबल होया, इन्हां दी मेहनत करके पॉसीबल होया। नहीं, मैं नहीं समझदा वे हाँ जे एडी उपलब्धि ना होवे, तुसीं एडा इंपोर्टेंट चैनल है, कदे भी हाँ किसी दी इंटरव्यू करोगे या चाहोगे तुसीं भी हाँ उहदा फेस दिखाया जावे, पब्लिक लिआंदा जावे, हाँ मीडिया च लिआंदा जावे। जदों पता लग्गिआ कि तुहाडी नूंह ने अवार्ड जित्ते आ उत्ते, आई वॉज हैविंग लंच एट माई टेबल, मेरे बेटे का मैनू फोन आया भी हाँ भी पैरी हॉट सीट पर पहुँच गई, ही डिडंट टेल मी भी हाँ कितने एक पहुंची है, मैं अंदाजे लाता रहा, बड़ी रिलेटेड फीलिंग हुई, अनएक्सप्लेनेबल, वेरी रिलेटेड। वही यार क्या बात है, कमाल हो गई, क्योंकि टू एक्सपैक्ट 10 चो पहला फस फिंगर फस फिर हॉट सीट पर जाना, इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। आई सो फील मेरा खिलाफ सारी ये महसूस करते हैं, 150 करोड़ की आबादी है, उपरले दसा च उत्ते फिर कंपीटीशन प्रेशर सुपरस्टार दे अगे बैठना, इट्स ए रेयरिटी है इन एनी ह्यूमन बीइंग, हूज एवर ही मे बी, ये तो मैं लकी हाँ, मेरी नूह है। पुछो ही ना जी, हूँ तो फोन चकन तो ग्रेज कर लग गए, अजे अजे वट्सएप बड़ा सोहना काम सारी जाता है। बहुत अच्छा लगे जी।